सर अपने पापा का फोन पापा लेना, के लिए फोन लेना है। मनीष भैया से मिलना है, संडे से वेट कर रहे, अभी तक नहीं मिले। गाजियाबाद से आया तो बालम से। अच्छा तो मुलाकात हुई अभी? नहीं अभी आए हैं, मजदूरी करता हूँ जी, पंजाब से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं से तो मिलने आए हैं, मोबाइल वगैरह लेना है। मिलने के लिए आए, मिलने आए। फॉलो करते हैं भैया को? हाँ जी करते हैं। कहाँ से आए? यूपी जिला बिजनौर से आए हुए हैं आप लोग? तो हमारे तो पड़ोसी हैं आप। कहाँ पे हैं? हम मुरादाबाद से आए हुए हैं, मोबाइल लेने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं। दोनों अरे क्या बात है, तो आप भी जो है फॉलोवर्स हैं? फॉलोवर्स में से एक हैं भैया के। यहाँ पर जेई कमीशन में खड़े सामने मनीष भैया की कार आकर रुक चुकी है। फाइनली हम लोग जेई कमीशन में अंदर आ चुके हैं। भीड़ आप बाहर देख सकते हो, एक बार बाहर भीड़ दिखा दो। लोग अंदर आने के लिए बेताब हुए रहे हैं कि माही बार कैसा ये आप लोगों के लिए। पापा से ले रहा, पापा को नहीं दे रहा मैं। अरे सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन पर मनीष भैया से मुझे भी यहाँ पर गिफ्ट मिल गया, और जो चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं वो रियल है। लेकिन भैया ने एक बात कही है कि फ्रॉड वीडियो से या फ्रॉड चैनल से बचे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया कारोबार। भैया इंडिया कारोबार आप जानते हो कि जगह जगह जाता रहता है, और हर कारोबारी का साथी है इंडिया कारोबार। तो हमें एक जेजे कम्युनिकेशन के नाम से एक शॉप के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है इस वक्त पूरे इंडिया में। लोग उनको जा रहे हैं, दूर दूर से इंडिया से लोग उनके यहाँ आते हैं और बहुत अपने अच्छे अच्छे मोबाइल लेते हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट भी मिल जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसी जेजे कम्युनिकेशन पर एक बार जाएँ, वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए उनसे बात करें, साथ ही साथ जो मनीष भैया जो वहाँ के ऑनर है उनसे ही बात करें। तो अगर उनसे हमारी मुलाकात होती है तो आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ पर, मैं एक बार चाहूँगा कैमरा घुमाकर दिखा दें, जिस वक्त हम रोहिणी ईस्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जेजे कम्युनिकेशन के बाहर हम खड़े हुए हैं। अभी अंदर जो मनीष भैया जो ऑनर है वो अभी आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये लोग वही लोग हैं जो दूर दूर से अलग अलग शहरों से इंडिया के यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि मनीष भैया और उनसे इनकी एक बार मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। क्योंकि अगर माना जाए तो यूट्यूब के स्टार मनीष भैया इनके स्कूल के पास रहते, तो भैया इनकी खुशी तो और होनी वाली है। अंदर जो लोग हैं उनके पास चल गए और बात करने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या लेने आए हैं, क्या फ़ायदा उन्हें यहाँ पर होने वाला है, मनीष भैया से अभी तक मुलाकात हुई या नहीं हुई है, ये सारे सवाल ले तो देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं इन लोगों से। तो अंदर हम आ गए मनीष भैया का, यहाँ पर आप देख सकते हो जेजे कम्युनिकेशन का ये गेट है, गार्ड साहब खड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार में हैं। यहाँ पर एक मैम भी खड़ी है, तो मैं चलता हूँ सबसे पहले मैम के पास ही चलते हैं, मैम से पूछ लेते हैं अगर वो बताना चाहेंगे कहाँ से मैम आई हैं। मैम कहाँ से हैं? भवाना से। भवाना से हैं, तो मोबाइल के थ्रू आपको पता चला, वीडियो वगैरह देख कर? हाँ जी, वीडियो देखते हैं, मनीष भैया से मिलना है, संडे से वेट कर रहे, अभी तक नहीं मिले। अच्छा संडे से आए हो यहाँ? संडे को आए थे तो रात को गए थे, अब देखते हैं आज मिलेंगे या नहीं। क्या उसको मिल रहा है? अच्छा मिलने आए हैं आप? हाँ जी। तो आप फैन हैं उनके, मनीष भैया के फैन हैं आप? यस। फॉलो करते हैं मनीष भैया को? यस सर। क्या बात, कुछ लेने आए हैं आप या मिलने आए बस? सर अपने पापा का फोन लेना है। फोन लेना है? क्या बात है भाई, देखिए छोटा सा प्यारा भाई। बेटे क्या नाम है आपका? युग मलिक जी। युग मलिक। युग मलिक, और आपके छोटे भाई भी हैं साथ में? वाह बहुत क्यूट। देखिए यहाँ पर क्यूट क्यूट से बच्चे यहाँ पर खड़े हुए, और संडे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं मनीष भैया से मिलने का। तो हम भी दुआ करेंगे कि आज इनकी मुलाकात मनीष भैया से हो जाए। यहाँ पर और लोग हैं। भैया कहाँ से आए? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए, तो भैया पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, कब आए आज ही? अभी आए थे। कब से इंतजार कर रहे हो भाई? बाहर दो ढाई घंटे हो गए। दो ढाई घंटे, अभी मनीष भैया आए नहीं है? अभी नहीं, मिलके जाना है आज। तो मोबाइल वोबाइल देना है या मिलने आए भैया से? मिलने आए अभी, तो फैन है भैया के हैं। चलिए बढ़िया यार, मनीष भैया के काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग जो बहुत अच्छी खासी है पूरे इंडिया में, और यहाँ पर जो फैंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिले। और भी भैया लोग हैं। हाँ भैया कहाँ से आए हैं? पालम से। अच्छा तो मुलाकात हुई अभी? नहीं अभी आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ फर्स्ट टाइम। तो मोबाइल वोबाइल लेना है या मुलाकात करनी है? मोबाइल लेना है। मोबाइल लेना है? कौन सा मोबाइल लेना है भैया? 12 लेना है। तो मिलने वाला है जी? उम्मीद कम है, पता लगेगा अभी, अभी मुलाकात तो हुई नहीं है। चलो ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। तो भैया ये एक और भाई है भाई, तो भैया ये बताइए
कहाँ से हैं? द्वारका। द्वारका से आए? तो मतलब दिल्ली से ही हैं आपको? यहीं के हैं? नहीं, हम द्वारका गए, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो आप रोहिणी में। तो क्या मोबाइल लेना है अभी? हाँ, 12 मिनी। 12 मिनी लेना है। तो क्या लग रहा है आपको, आपका जो बजट है उसमें यहाँ पर मिलने वाला है मनीष भैया के पास? अंदर जाके फर्स्ट टाइम आओ, पता कर, पता नहीं, आपने कहीं से सुना होगा ना, वीडियो वगैरह देखा है। हाँ, लगता है मिल जाएगा, लगता है कि मिल जाएगा। मनीष भैया से मुलाकात हुई नहीं है अभी, अभी तक जितना मनीष भैया को जाना आपने ऑनलाइन जो देखा, तो क्या लगता है कैसे हैं मनीष भैया? बढ़िया है, काफी बढ़िया है और अच्छे हैं। अच्छा, मैंने सुना गिफ्ट वगैरह भी बहुत देते हैं। हाँ, देते हैं। तो लगता है मोबाइल के साथ 2-4 गिफ्ट मिलने वाले हैं आज। क्या मतलब, क्या बात है यहाँ पर? जी 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 बताइए सर। सर मैं वीडियो देखता था सर जी, मैं मजदूरी करता हूँ जी, पंजाब से आया हूँ सर। अच्छा, तो मैंने जी उनको मैसेज मुझसे डेली करता था सर। कल मेरे को ही शाम को फोन आया, कहते भी हम आपको 45,000 का मोबाइल देंगे और 30,000 का वो देंगे, वो गाने गुने सुनने वाला। तो सर मैं इधर आया तो नीचे गया था, वो कहते ये तो फेक नंबर है। जी जी, मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मुझे पहले भी कुछ बातें मुझे पता चली हैं कि कुछ लोगों ने फेक आईडी बना रखी है अजय कम्युनिकेशन के नाम से। सर मैं उस आईडी को आप लोग फॉलो करते हैं और उसमें जो लोग फ्रॉड होते हैं वो आपको बुला लेते हैं यहाँ पर। सर मेरा तो ऐसा मन हुआ अभी, चलो मैं सर से मिल के जाऊंगा, मेरा बहुत मन कर रहा है जी, मैं पंजाब से आज अपनी गाड़ी छोड़ के। सही बात है, मिलना तो जरूरी है, मिलना तो बनता है। अभी अभी उनका कोई पता नहीं है कितने बजे आएंगे। नहीं, अभी हमारी बात हुई है अंदर तो पता चल रहा है कि भाई आने वाले हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। और आपकी सोच बहुत अच्छी है कि यहाँ तक आया हूँ तो भैया से मिलकर ही जाऊँ। तो भैया देखिए, यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोगों ने फ्रॉड गलत तरीके से, इन्होंने जेजे कम्युनिकेशन के अकाउंट बना रखे हैं, फेक अकाउंट बना रखे हैं, और उसमें ऐसे लोगों को परेशान कर देते हैं वो लोग। तो भैया इस बात का ध्यान जरूर दें, क्योंकि मनीष भैया की वीडियोज मैं भी देखता हूँ, मैंने भी देखा कि वो अपनी वीडियोज में बताते कि भैया कुछ फेक अकाउंट है जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हो और उनके कहने पर आप जो है उनके इंस्ट्रक्शन पे चलते हो तो आपको नुकसान हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको फेक अकाउंट को फॉलो नहीं करना, जो रियल अकाउंट जेजे कम्युनिकेशन के उन्हें आप फॉलो करें तो उस पर बात करें। लेकिन जी सर बताइए। सर मेरी तो, मैं एक्साइटमेंट में आ गया था सर, मैंने सोचा मैं सर की पैरी हाथ लगा के आऊँगा जी, मिल के आऊँगा, तो बस उनसे मिलना ही की बस वो है सर। कुछ मिले ना मिले वो तो बात लग गया है। सही बात है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन भैया को एक बार आपको सर मुलाकात करनी, और हम भी कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि आपकी मुलाकात मनीष भैया से हो जाए। ये कीपर सा मोबाइल है, ये खराब है सर। अच्छा, ये भी खराब है अभी, तो हो सकता है कि मनीष भैया मिलेंगे तो आप इतनी दूर से आए, जरूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन फेक अकाउंट से आप लोगों को बच के रहना, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पीछे चलते हैं, यहाँ पर एक अंकल जी और हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से हैं, तो मिलने आए हैं, मोबाइल वगैरह लेना है? मिलने के लिए आए। मिलने आए, फॉलो करते हैं भैया को? हाँ जी, करते हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे जाने थे आप मनीष भैया के बारे में? कुछ मिले, हम तो फेसबुक से जान पहचान हुई जी। अच्छा अच्छा, फेसबुक से जाने, अभी तक मिले नहीं, वीडियो अभी तक नहीं मिले नहीं। तो आज मुलाकात करने का इरादा है पूरा पूरा? आज बिल्कुल, सुबह से 8 बजे से बैठे हूँ। क्या बात है, यहाँ पर देखो आप, अच्छी खासी एज है अंकल की भी, और अंकल जो है 8 बजे से यहाँ पर मनीष भैया का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है सभी से आज जो है मनीष भैया मिलकर जाने वाले, ये लोग बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं बड़ी जी। जितनी भी कोशिश होगी मिलकर जाएंगे। क्या बात है, मतलब पूरी पूरा इरादा है अंकल जी का भी, कि जो है कोशिश पूरी करेंगे कि हम उनसे आज मिलकर ही जाएं। तो यहाँ पर और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो भैया आप लोग भी मिलने आए भैया से? फोन लेना है। फोन लेना है, कौन सा लेना है भैया? 12 प्रो मैक्स लेना है। 12 प्रो मैक्स लेना है, तो मतलब यहाँ पर जो है क्या होता है, बजट में मिल जाता है, क्या फायदा हो जाता है? थोड़ा बजट आउट हो रहा तो इसलिए लिया नहीं है। अच्छा, दूर से भी काफी आ रखे हम तो। कहाँ से? यूपी जिला बिजनौर से आ रखे। अरे बिजनौर से आए हुए आप लोग भी, तो हमारे तो पड़ोसी हैं आप। कहाँ पे? हम मुरादाबाद से आए हुए हैं। मुरादाबाद, खास मुरादाबाद से? खास मुरादाबाद। बढ़िया बात, कोई दिक्कत हमारे? अरे वाह क्या बात है, मुरादाबाद से भैया और हैं हमारे। अरे यूट्यूबर है आप भी? तो मुझे जानते भी होंगे शायद, नहीं देखा? इंडिया कारोबार, इंडिया कारोबार नाम सुना होगा तो सही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मुरादाबाद के हमारे भैया मिल गए। तो भैया आप भी मुलाकात करने आए या वीडियो बनाने आए? एक्चुअली मैं वीडियो का फोन लेने आया था। फोन लेना है? छुट्टी फोन लेना है। अच्छा अच्छा, तो भैया यहाँ पर अभी भैया से मुलाकात होनी है अभी? हाँ जी, अभी मुलाकात होने लगी है भैया से, बात रखी थी। बात हुई रखी है? क्या बात है भैया, हमारे भैया की बात हुई रखी है भैया से, तो मुलाकात हो जाएगी और हमारी भी उम्मीद है हमारी मुलाकात हो जाएगी। भैया बिजनौर से आप आए, क्या लगता है कि आपके बजट में यहाँ पर अभी मोबाइल आपको मिला नहीं है? नो नो नो। तो क्या डाउट हो रखा है, जो हम लेने के लिए आ रखे हैं वो हमारे? तो अभी जो खड़े हुए भैया से मिलने के लिए खड़े हुए हैं? तो जा रहे हैं मिलने के लिए आ रखा है, उससे मिलके जा रहे हैं। अच्छा, कोई मिलने के लिए आ रखा है, उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। तो अभी बजट से आउट है आपका मोबाइल, इसलिए आप जो है वापस जा रहे हैं। बिजनौर से आए हुए थे, लेकिन जो बजट ये सोच कर आए थे, भैया क्या आपने ऑनलाइन देखा था कोई बजट वगैरह किस हिसाब से? एक फोन मैं 5 मंथ पहले ले गया यहाँ से सील पैक। अच्छा अच्छा, अब मैं सेकंड हैंड लेने के लिए आया था दोस्त के लिए, दोस्त मेरा ये है, मेरे साथ आया रखा है, साथ में आए हुए हैं आपके भैया, तो इनके लिए लेना आया था। लेना था मेरे पास तो है ऑलरेडी। अच्छा, मैं 14 प्रो मैक्स ले गया था यहाँ से 5 महीने पहले।
अच्छा, अब भैया को दिलवाने लाया था, भैया को दिलवाने के लिए अभी वो बजट जो है वो उनका बजट आउट हो रखा है। चलिए ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा एक बार मिलकर जरूर जाइए। देखिए जय कमलेश बैग भी शायद साथ में मिलाओगे आप। जी जी मेरे क्या बात है, यहाँ पर देखो जय कमलेश बैग जो है मोबाइल जो है जब लेते तो कितने गिफ्ट मिले थे आपको बताइए। आप तो पहले गिफ्ट मिले थे मेरे को, क्या क्या मिला था? एक बैग मिला था, एक बैंड मिला था, बस बैंड मिला, मैंने सील पैक लिया था, सील पैक लिया। दो गिफ्ट मिले थे आपको यहाँ से? बट सी मिलते तो नहीं, बट सर्च मेरे को नहीं मिला बिल्कुल भी, बैग और वो मिला था, बैंड मिला था और कुछ नहीं मिलता। वैसे तो बता दें वैसे तो बट्स मिलते हैं, बैग मिलता है और माइक रील भी मिलती है, चार्जर मिला था, कई बार होता है। लिया था मैंने 1800 रुपए का, एडाप्टर मैंने 1800 रुपए का लक्ष्य लिया था। ये तो फेक हो गया ना, फेक। अब मैं नहीं कह सकता फेक है, मतलब कई लोगों का होता है ना कि वहाँ पर 6-6, 7-7 गिफ्ट दिखाते हैं कि दिए जा रहे हैं, पर मनीष भैया देते हैं वो जिनको देखते हो उनको, पर मैं तो सामने खड़ा हूं, जो मेरे को मिला मैं वो बता रहा हूं सीधा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया लेकिन दो गिफ्ट आपको मिले थे और जो आपका बजट था उसमें मोबाइल मिल गया था जो बताया था। कितने का पड़ा था आपको यहाँ पर उस टाइम पे? 1.8 का पड़ा था मेरे को, 1.8 का पड़ा था उससे 128 महीने पहले। 128 जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया जो यहाँ से मोबाइल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर दो गिफ्ट भैया को मिले हैं। लेकिन भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप फैन फॉलोइंग इनकी देखोगे इंस्टाग्राम पे, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग मिलियंस में जो है इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है ब्रो, वाओ, ठीक है भैया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया कारोबार यही चीज पता करने जा रहा है, लोगों का जो क्रेज है वो कहाँ तक सही है और कितनी भीड़ और कैसे परेशान लोग यहाँ पर रहते आते हैं, तो इनको फायदा मिलता भी है या नहीं मिलता। मनीष भैया से भी हम मिले और बात करने की कोशिश करें। अभी और ज्यादा गैदरिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैम और खड़ी हुई है, अगर बात करना चाहें तो। वैसे तो हम इनको पीछे हट रही है लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि लेडीज हैं और यहाँ पर धूप में खड़े हुए थे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आप भी यहाँ पर जय कम्युनिकेशन आए हैं? हाँ जी। कहाँ से, बाहर से आए या लोकल से ही हैं? दिल्ली से, हरिनगर से। अच्छा, हरिनगर से आए, तो अभी फर्स्ट टाइम है, पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ। अभी मुलाकात हुई नहीं है? मोबाइल लेने आए हैं, मुलाकात करने आए हैं? दोनों। अरे क्या बात है, तो आप भी जो है फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स में से एक हैं भैया के, तो क्या लगता है यहाँ पर? अभी एक भैया बता रहे कि गिफ्ट जो है 6-7 गिफ्ट दिखाते, लेकिन इनको जब इन्होंने मोबाइल लिया था तो दो गिफ्ट मिले, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर गिफ्ट वगैरह दिखाते हैं वो रियलिटी दिखाई जाती है या नहीं? अभी वो जब हमें मिलेगी तो ही जब पता चलेगा। क्या बात है, तो अभी कौन सा मोबाइल लेने वाले हैं? iPhone 14 मैम लेने आई हुई है, लेकिन अभी मुलाकात आपकी हो नहीं पाई है, तो भाई मैम चीज़ हमें, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो लोकल से ही है मैम, तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर से, बिजनौर से, मुरादाबाद से, अलग अलग सिटी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? मैं तो रोहिणी में रहता हूँ। रोहिणी में रहते हो, मुलाकात कर चुके हो पहले भैया से? कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है। अरे यहाँ पर अभी पता चल रहा है कि गिफ्ट वगैरह जो देते हैं वो जो बताते हैं वो रियलिटी रहती है? सब रियलिटी है, सब रहता है, जो चीज़ वीडियो हम देखते हैं वो रियल होती है, ऐसा तो नहीं है वो स्क्रिप्टेड होती है? बिल्कुल रियल है। तो जी सही बात है जी, तो सही बात है जी, तो सही बात है। भैया आप कहाँ से हैं सर? मैं तो भाई मथुरा से। मथुरा से आप भी आए क्या यहाँ पर? मैं तो भाई लेकिन भीड़ भाड़ देख रहा था, वो बंदा बता रहा कि मेरा फोन आया, मैं बस लोकल फोन मेरे पे पड़ा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला फेक है। क्या बात, सही बात है जी। चलिए, कहाँ से आए भैया? दो दिन से आए, 10 से सर मिलने के लिए 2 दिन हो गया हुए अभी सर। कहाँ से आए? दस अयोध्या से आए हुए हो? अरे बहुत दूर से हो यार, मिलवा दीजिए सर। मुलाकात हुई नहीं, मुलाकात नहीं हो पा रही सर। भैया ये यहाँ पर जो स्टाफ है वही लोग मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन आप जो अंदर जाके बात करें उन्हीं से बात करें, मिलने की कोशिश करें, क्योंकि देखो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको मोबाइल वगैरह लेना है, सिर्फ मुलाकात करनी है? मुलाकात करना है बस, एक बार मिल लूंगा जी, बस एक बार मिल के चले जाएंगे। चले जाएंगे सर, एक बार मिलवा दीजिए सर। चलिए हम कोशिश करेंगे, सबसे मिलते हैं। मिलते जैसे की तब आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है ना जी जी, तो सारे सेल्फी लेने के चक्कर में वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए चले जाते। अच्छा, जो परेशान हो जाते हैं मतलब धक्का मुक्की की ऐसे वहाँ से चले जाते हैं। तो भैया प्यार से अगर आप लोग मिलोगे तो वहाँ सबसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ अच्छी खासी है। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? कहाँ से आए भैया? बिहार से आए, पटना से। पहली बार आए हो? पहले आ चुके हो? फर्स्ट टाइम आए हो? सीधे इन्हीं से मिलने आए हो किसी और काम से आए थे? फोन भी लेना था, मिलना भी था। सीधा मनीष भैया के पास ही आए हो बिहार से? मनीष के पास। क्या बात है, स्पेशल मिलने आए मनीष भैया से? अभी 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं? कितने फॉलोवर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन है, रियल आईडी फॉलो कर रहे हैं मतलब? सही है। भैया से मिलने के लिए देख सकते हो आप क्रेज जो है। मोबाइल कौन सा लेने वाले हैं आज? 12 का लेके आए थे लेकिन अभी तक आया नहीं भैया तो। अच्छा, अभी आया नहीं है भैया, तो भैया से मुलाकात करने का इंतजार है अभी, कौन से मिलकर जाएंगे। तो चलिए हम भी दुआ करेंगे, इतने लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए इनको जो है ऊपर वाला करे कि भैया यहाँ से आप ये इतनी दूर से आए हुए तो मिलकर, या तो भैया से मिलने के इंतजार में बस हैं, मिलकर वापसी हो जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम फिक्स नहीं करवाते हैं हम लोग, कल शाम को ही 7 बजे आ गए थे यहाँ। ओके, लेकिन 7 बजे वेट करते करते अभी 11 बजने वाला है। तो अभी रात भर कहाँ रुके फिर? हम लोग रात में एक है दोस्त यहाँ पकड़ गए। अच्छा, तो दोस्त यारी में रुक गए नोएडा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके कल रात से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं भैया के मिलने के, तो हम भी इंतजार में हैं कि भैया आए और हमसे मिले। तो अंदर की तरफ हम चलेंगे और कोशिश करेंगे अगर भैया आ जाएं तो भैया से मुलाकात हो और आपको भी उनसे मिलवा दें।
तो तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हम लोग जे कम्युनिकेशन में अंदर आ चुके हैं। भीड़ आप बाहर देख सकते हो, आप बाहर भीड़ दिखा दो, लोग अंदर आने के लिए बेताब हो रहे हैं कि हमें अंदर जाना है और मनीष भैया से मिलना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मनीष भैया के फैंस हैं सारे। तो इधर मनीष भैया अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो कस्टमर्स की पहले से जो लाइन से जो लोग आ चुके हैं, एंट्री जिनकी होनी थी उनकी एंट्री हो चुकी है। जो लोग अंदर बाहर खड़े हुए हैं ये अपने टाइम से अपने क्यू के हिसाब से ये लोग भी अंदर एक एक करके आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो बाहर जो है यहाँ पर मनीष भैया सामने खड़े हुए हैं। अमेजिंग मज़ा आ रहा है यार, ये फैन फॉलोइंग देख करना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बात है। यहाँ मनीष भैया हैं और अभी बिजी हैं थोड़ा सा, मनीष भैया से बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे उनका, थोड़ा सा दो चार सवाल करेंगे और आप मनीष भैया से मिलाएंगे, फिर हम लोग भी यहाँ से आगे चलेंगे। फाइनली मौका मिल गया मनीष भैया से मिलने का। मैं भी भैया आपको करीब लग डेढ़ साल से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और हमारे दो तीन इंस्टाग्राम अकाउंट हैं मेरे, मेरी वाइफ का, सभी से आपको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और आपकी वो वीडियोज़ भी देखता हूँ जो लोग फेक अकाउंट को फॉलो करके गलत बातों में फंस जाते हैं। वो वीडियो हाँ, वो कुछ लोग फेक अकाउंट देख कर आ जाते हैं। अभी बाहर भी एक भैया पंजाब से खड़े हुए हैं और वो मजदूरी करते हैं भैया जो दाढ़ी में हैं, और बड़े परेशान हैं। मैं चाहूँगा उन्हें प्लीज भैया एक बार अंदर बोलवा लो, उन्होंने अपनी मुझसे थोड़ा सा कहा एक बार उन्हें भैया को। जी जी ये जो आ रहे हैं तो भैया ने, तो यहाँ पर ये भी फेक अकाउंट का शिकार हुए हैं सर। तो यहाँ पर आप देखिए ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत मनीष भैया के लिए, आपके लिए मिलने के लिए कई दिनों से वीडियो देखा। अच्छा, क्या कर सकता है आपके लिए? हाँ सर जी, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, तैयारी करता सर, मेरे पास पैसा नहीं सर, मैं मेरी बेटी की पढ़ाई की फीस भेज डाली, वो भी तैयारी करने लगे सर, ये नहीं कर सकता। बता रहे हैं बैंक अकाउंट देख कर आ गए आप सर, ये देखो बहुत टाइम हो गया, पुराना मोबाइल किसी से ले लेता हूँ 500 का, चलो टाइम पास कर लेता हूँ, ये भी खराब है, मैं तो अनएबल सर बिल्कुल ही जी। तो किसी ने कल मेरे को फ़ोन मारा जी, कहता सर हम जे कम्युनिकेशन से बोल रहे हैं, मैं कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी, कहता हम आपको 45,000 का मोबाइल देंगे और 30,000 का एक प्रोडक्ट और देंगे, कहते आप जब मर जाओ, नहीं नहीं आप 400 के मेरे खाते में डलवा दो तो आपको मोबाइल डिलीवर हो जाएगा। मैं कहा सर मैं तो मिलती ही कहाँ से आए? पंजाब से सर, डिस्ट्रिक्ट मार्ट से। पंजाब से स्पेशल आए हो? हाँ जी, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। वीडियो दे देख के एक्साइटमेंट आ गई सर, ऐसा ऐसे ही, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं सर, बस आप मन ही ऐसा सर, मेरे अंदर चाय का भी अभी है सर। अच्छा, जारी करते हैं उम्मीद पूरी नहीं होती, इस चीज में भी दिल से टूट जाता है ना, वो देखना कितना बुजुर्ग है यार। सर वही चीज हम बाहर तो बहुत सारे फ्रॉड वाले खड़े हैं, आप ऐसे बोलो कि कैसा लगा जैसे घूम रही सर, बोले यहाँ तो ये हुआ होता ही नहीं है, जो सारे ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हेटर्स नहीं है, हेटर्स नहीं है, लेकिन फेक अकाउंट के फेक अकाउंट के शिकार सारे हैं। हाँ, हेटर्स नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कोई दुकानदार मेरे बारे में बुलवाता है, कभी नहीं करता कोई भी दुकानदार ऐसे। एक आधे दुकानदारों ने मेरी कभी वीडियो जरूर डाली है और सबके फाइन, सबका अपना काम है, हम कभी कंपेयर नहीं करते किसी को अपने आप से, तो जो कर रहा है वो कर रहा है। बट मेरे पास यहाँ पे जितने भी आपको बाहर बोलने वाले मिलेंगे ना, इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि कोई किसी दुकानदार ने भेजा हो, इनमें भी होंगे फेक अकाउंट पे, मान लो कोई फ़ोन देख के आ गया 10,000 का, यहाँ पे फ़ोन है 50,000 का, तो ये बोलेंगे ये चोर है, ये वो है, ये जो बोलते हैं वो देते नहीं, वीडियो में ये है वो, क्या नहीं बोल, किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते, है ना। रोहित एक बोलती हो, यहाँ पर आप देखिए भैया जो हैं, बड़े अंकल जी यहाँ पर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, पंजाब से आए हैं, सर से मुलाकात हो गई फाइनली, और जहाँ तक मुझे लगता है सर को गिफ्ट मिल गया फ्री। तो यहाँ पर आप देखिए जो चीज़ इंडिया कारोबार पे, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे इंडिया कारोबार, आप याद रहेगा आशीर्वाद ऊपर वाले का है, याद रहेगा, ये रखो रखो सर, वीडियो काम आ जाएगी, बिटिया के काम आ जाएगी, बेचने को नहीं कह रहा हूँ मैं, आपने जो बिटिया का बोला ना, बिटिया के काम आ जाएगी। यार भैया बहुत अच्छी, हाँ आप उधर देखो जो पा रहे थे, आप देख लो, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए
कहा जाता है जो देखा देखते हैं हम, सर आप आ जाइए प्लीज़, जो हम देखते हैं ऑनलाइन देखते हैं कि कोई अगर यहाँ पर परेशान आता है उसकी भैया बात सुनते हैं, और यहाँ पर हमारे सामने इंडिया कारोबार पर भी आपको दिखा दिया कि रियल वहाँ पर गिफ्ट आपके सामने वहाँ पर वॉच दिया गया। सर बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, लोगों का दिल रख रहे हो, जो दिल दुख जाता है उसको भी आप खुश कर कर यहाँ से दे रहे हो। दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का सर। कुछ लड़के होते हैं ना, लड़के आते हैं ना फिर भी समझ आता है, चलो घूमते फिरते आ गए। अभी देखो ना, देखो एक चीज़ और दिखाओ अंकल जी। सर कैसे आए हो आप पंजाब से? सर गाड़ी से। अपनी गाड़ी चला के आए हो? ना ये ना ट्रेन से है सर। ट्रेन से आए? हाँ जी ठीक है। इनका बस के भी आने की हैसियत नहीं होगी, ट्रेन की टिकट का पैसा लगा कर आए होंगे। हमारा सर उसने बोला मैं आपको मोबाइल दूंगा, मैं कहा चल मेरे पास पुराना मोबाइल है, एक मोबाइल ही मिल जाएगा। वो कहते 40 का, मैम मुझे 5 के आपका मोबाइल आगे की यहाँ पे मोबाइल फ्री में मिलेगा। और वो उसको तुम देख लो कहाँ से कहाँ ले आए, चक्कर कट गया इनका। क्या बात है यार, मतलब मनीष भैया आपकी जो वाकई में वीडियोस देखता हूँ अमेजिंग वीडियोस होती हैं, मोहब्बत तो भरपूर होती है लोगों के लिए, और वो मोहब्बत यहाँ साफ साफ दिख रही है, यहाँ मोहब्बत दिख रही है। सर आपको कैसा लगता है ये मोहब्बत देखकर? थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट इसके अंदर ना बस ये हो जाता है फ्रॉड अकाउंट वाले होते हैं ना जो बीच में, जो जेन्युइन मिलने वाले हैं वो भी रह जाते हैं। भैया एक बार मैं चाहूंगा, वो बच्चे हाथ हिला रहे हैं सर, भैया एक बार हाथ हिला दिए सर आप उन्हें। क्या बात है, हेलो यार, क्या देखो यार, क्या अमेजिंग है, क्या बात है यार, क्या बात है, मोहब्बत देखो यार, मोहब्बत देखो, मोहब्बत देखो, आराम से भैया, आराम से, आराम से, क्या बात है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो भैया चलो चलो। तो यहाँ पर आप बच्चों का क्रेज देखो सर, सर ने थोड़ा सा गेट खोला और क्या मोहब्बत है हाथ में लाने के लिए, बच्चे वाह यार क्या अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया, क्या बात है। ये मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं कमाई जाती, बहुत मेहनत के बाद ये मोहब्बत और ये प्यार जो है कमाने को मिलता है, क्या बात है भैया, अमेजिंग है यार, अमेजिंग मोहब्बत है लोगों की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुक्रिया आपका कि फर्स्ट टाइम हमने कोशिश करी आपसे मिलने की इंडिया कारोबार में, और आपने हमें मिलने का मौका दिया सर, बहुत अच्छा लगा इंडिया कारोबार से आपने बात करी। कुछ हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? देखो व्यूअर्स सबके सेम ही होते हैं, है ना, सबके सेम होते हैं, कल और ज़्यादा लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। मेन ही है अगर आप कोई भी अकाउंट फॉलो कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा वो ओरिजिनल है फेक है कुछ भी है, सबसे बेटर प्लेटफॉर्म होता है गूगल। एक्स वाई जेड किसी का भी नाम देख रहे हो आप, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप गूगल करो, गूगल करके उसका ओरिजिनल इंस्टाग्राम पहले आएगा, उसका प्रोफाइल पहले आएगी, वहाँ से आपको सारी ओरिजिनल प्रोफाइल मिल जाएगी। पेमेंट मत करो एडवांस में जब तक आप 110% श्योर ना हो यार, ये जो फोन 10,000 रुपए के बता रहे हैं लाख लाख वाले हमें नहीं मिलते, लोग ये नहीं समझ रहे उन्हें कहाँ से मिलेंगे, सिर्फ एक लालच होता है। जो फ्रॉड कर रहा है वो समझदार नहीं है, जो फ्रॉड का शिकार हो रहा है वो बेवकूफ है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, वो अपने लालच पने में आके ना शिकार हो जाता है। नहीं तो मैं भी किसी दुकान पे फोन लेने जाऊंगा ना, किसी ने मुझे लाख वाला 10,000 का बोला, मैं 10 बार चेक करूंगा कि भाई इतनी सस्ती क्यों दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारा लालच होता है जो हमें गलत चीजें फंसा देता है, बता देता है। एग्जैक्टली, मतलब भैया बहुत अच्छा आपसे मिलकर लगा, ऑनलाइन जो मैं देखता था आपको वो तो मैं आपको पसंद ही करता था, मेरे घर में मेरी बच्ची मेरी वाइफ सब देखते हैं वीडियोस आपकी और सब पसंद करते हैं, लेकिन आज आपसे मिले, मेरी दो बेटी हैं माशाल्लाह और आपकी बहन है वो भी मनीष भैया की, थैंक यू। चलिए यहाँ पर जो है बेटियों के लिए मुझे गिफ्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखें मनीष भैया जो हैं अमेजिंग, मुझे यहाँ पर आकर लगा है, और जो चीज़ मैंने यहाँ पर ऑनलाइन देखी थी वो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब कहते हैं ना कि रियलिटी जो है वो हम अपनी आंखों से जाकर ही देखते हैं। माहिबा कैसा? माहिबा कैसा ये आप लोगों के लिए, पापा से ले ले रहा, पापा को नहीं दे रहा मैं। अमेजिंग है। तो मनीष भैया से यहाँ पर गिफ्ट मेरी बच्चों के लिए मिल गए हैं और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अरे सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन पर मनीष भैया से मुझे भी यहाँ पर गिफ्ट मिल गया, और जो चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं वो रियल है, लेकिन भैया ने एक बात कही है कि फ्रॉड वीडियो से या फ्रॉड चैनल से बचें, और पहले लालच में ना आए, सबसे बड़ी बात ये लालच में ना आए, और कोई भी चीज़ आपको कॉल करता है पहले वेरीफाई कर लें। आज से पहले जब मेरा अकाउंट नॉर्मल होता था तब हम डील दे देते थे, और जो ऑनलाइन आप देखते हो यहाँ पर मिलता भी है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी कि आप फ्रॉड के साथ ना बचें। सर थैंक यू, आपने हमें अपना बहुत टाइम दिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।